बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सुरें सबसे पहले दुआ पढ़ लें। रब्बी शराहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बख़ैरियत होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक दफ़ा दोबारा से शहरी दिफा रिवाइज करने, ताकि हम लोग खुलासा लिखने में आसानी हो जाए, और इक्तबास की तशरीह भी आज करेंगे। सबसे पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि तशरीह में भी आसानी हो और हम लोग आगे उसके अल्फाज मायनी, जो मुश्किल अल्फाज मायनी हैं, वो सारा कुछ हम लोग ईज़िली आसानी से लिख सकें। हाँ जी, एक दफ़ा पूरे लेसन को रीड आउट कर लें खुलासे की सूरत में, ताकि खुलासा भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और आप लिख सको कि हमने पूरे लेसन में पढ़ा क्या था। हामिद के वालिद का फ़ोन आया, शहर में बम धमाका हुआ है जिसकी वजह से अस्पताल में एमरजेंसी लग गई है और आज रात घर नहीं आएंगे। हामिद ने सोचा कि ये धमाका करने वाले कितने ज़ालिम लोग हैं जो चंद सिक्कों के इवज़ कीमती जानों का सौदा करते हैं। हामिद को रात यही सोचते सोचते नींद आ गई कि अहले वतन की ज़िंदगियों से क्यों सौदा किया जा रहा है, क्यों जो लोग हैं वो चंद पैसों के लिए जो है मासूम जानों का, बेगुनाह लोगों का खून ले लेते, खून बहाते हैं, उनको मार देते हैं। अगली शाम उसके वालिद ने उनको बताया कि वो सारी रात ज़ख्मी को मरहम पट्टी करते रहे और उनका ऑपरेशन भी करते रहे। हामिद ने पूछा कि मैं ज़ख्मियों की कैसे मदद कर सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा का इदारा कायम कर रखा है, जिसमें लोगों को तरबियत दी जाती है कि वो किस तरह लोगों की तरबियत कर सकें, कि अगर कहीं हादसा रोनमा हो जाए तो भीड़ की सूरत हाल जमघट्टा ना बना लें कि वहाँ की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स, खुलासा लिखते वक्त आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आप लोगों ने हेडिंग नहीं देनी, कि आप लोगों ने उसमें अगर वालिद का अब्बा जान को मुखातिब करा है तो मार्कर से लिखना शुरू कर दें। कुछ नहीं करना, ये सिर्फ पैराग्राफ की सूरत में, छोटे पैराग्राफ की सूरत में हम लोग खुलासा लिखेंगे, हेडिंग्स नहीं बनाएंगे। हेडिंग बनाने से खुलासा जो है गलत हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें हंगामी सूरत हाल के लिए रास्तों का तायुन होना चाहिए, और हर इमारत में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे आग बुझाने के आलात का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बेहोश हो जाए धुएं की वजह से तो उसके कपड़ों को ढीला कर दें और उसको ठंडे खुली हवा में ले आएँ और ठंडे पानी के उसके मुंह पे छींटे मारें। बाजूकात हादसे में ज़ख्मी होने वालों के बाजू टूट जाते हैं तो फौरन सख्त जो है लकड़ी ले लें या सख्त गत्ता जो होता है उसको तोड़ के उसके बाजू के गिर्द लपेट लें और तकोनी पट्टी, तीन कोनों वाली पट्टी उसके गिर्द लपेट के गले में हमाइल कर दें, ताकि उसकी जो हड्डी है वो सीधी हो जाए और उसको ज़ख्मी जो फ़र्द है उसको सुकून मिल जाए। और अगर किसी हिस्से से खून बह रहा हो, खून निकलना शुरू हो जाए तो फौरन ठंडे पानी से के उसमें पानी जो है कपड़े की गद्दियाँ भगोकर उसके ज़ख्म पर रख दें, ताकि खून जो है वो निकलना बंद हो जाए। और अगर किसी के कपड़ों पे आग लग जाए तो फौरन से पहले उसको अपने मुंह पे हाथ रख के अपना मुंह ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे, और अगर कोई उसके पास मौजूद है तो उसके ऊपर रज़ाई कंबल या कोई मोटा कपड़ा दे दे और ज़मीन पर लौटाना शुरू कर दे। और ऐसे शख्स को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो भागेगा तो आग मज़ीद भड़क उठेगी। अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसको पानी से निकाल कर उल्टा लेटा कर पीठ को थपथपाया जाए ताकि पानी निकल जाए और उसको सांस लेने में आसानी हो, फिर उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। अगर सांप ने डस लिया हो तो जहां सांप ने डसा है उसके 4-5 इंच ऊपर कस के मतलब ज़ोर के, इतनी ज़ोर के कपड़ा बांधें कि वहां खून ना आए, खून की फराहमी वहां से रुक जाए और उस जगह को
चाकू के साथ खुरच के उसमें से जहर निकाल दिया जाए और उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए, जाके वहां उसका इलाज हो सके। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो महकमा शहरी दिफा में जो लोग हैं वो रज़ाकाराना खुद अपनी मर्ज़ी से अपने आप को पेश करते हैं कि हम लोग लोगों की मदद करेंगे। तो लोगों की मदद करने के लिए अपने आप को खुद रज़ाकाराना तौर पर पेश करते हैं और इनको बुलंद ऊंची इमारतें हैं वहाँ चढ़ना सिखाया जाता है कि वहाँ अगर कोई आग वगैरह लग जाए, कोई हादसा रोनमा हो जाए तो किस तरह लोगों को बाहर निकालना है बाहिफाजत। इनको दरख्तों पे, इनको पहाड़ों पे चढ़ना भी सिखाया जाता है और इनको जंग के हालात में ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह अपनी और दूसरों की हिफाजत करनी है, किस तरह जंग के दिनों में लेट के रिंग रिंग के चलना है, कि कैसे दुश्मनों से महफूज रहा जा सकता है, मोर्चे बनाना भी सिखाए जाते हैं। तो हामिद ने कहा कि मैं भी शहरी दिफा की तरबियत लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं कल अपने उस्तादा से बात करूँगा ताकि मैं तरबियत हासिल कर सकूँ और लोगों की मदद कर सकूं। जिस पर उसके वालिद ने उसको तबकी दी और शाबाशी दी। जी स्टूडेंट्स, आज हम आगे जो करने जा रहे हैं वह है इक्तबास की तशरीह। इक्तबास भी लफ्ज़ आ सकता है, नसर पारा भी लिखा हुआ होगा। मैंने ये दोनों लफ्ज़ लिखे हैं, इक्तबास भी लिखा है, नसर पारा भी लिखा है। ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, ये ना समझें कि ये दोनों अलग-अलग लफ्ज़ हैं। इक्तबास सबक में से कोई दो तीन लाइनें ले ली जाती हैं, उसको इक्तबास कहा जाता है कि सबक के अंदर से कुछ लाइंस ली हैं, कुछ पैराग्राफ, कोई नसर पारा लिया गया है। और पैराग्राफ जो लफ्ज़ है ये हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। इक्तबास की तशरीह, जो इक्तबास की तशरीह हमने पैराग्राफ लिया है वो लिया है, पेज नंबर है 41, इसका सेकंड पैराग्राफ से लास्ट लिया है। हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने इमदाद का शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिल सकने की वजह से मौके पर दम तोड़ देते हैं। से लेकर लिखा है यहाँ तक से ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद में रुकावट पैदा होती है। इसके इक्तबास की तशरीह करने से पहले हम जो चीज़ करते हैं वो है हवाला मतन। हमने हवाला मतन लिखना ये लाजमी है, अगर आपके पूछा जा रहा है फिर भी लिखना तो है। अगर नहीं भी क्वेश्चन में पूछा गया, सिर्फ लिखा गया इक्तबास की तशरीह करें, फिर भी ये चीज़ें लिखना लाजमी है। हवाला मतन, सबक का उन्वान। अब यहाँ पे हमने मतन लिखा है, हमने तशरीह की थी उसमें हमने शेर लिखा था क्योंकि वो नज़म से लिया गया था। ये मतन है क्योंकि ये सबक में से लाइन जो हैं वो ली गई हैं, इसलिए हमने लिखना है हवाला मतन। और अगर यहाँ पे आप हवाला शेर लिखोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। हवाला मतन सबक का उन्वान, उन्वान ही आएगा, नाम नहीं आएगा। शहरी दिफा, फिर इस जो हमने पैरा नसर पारा आपको दिया है उसमें से कुछ लफ्ज़ हैं वो अंडरलाइन होते हैं। खत कशीदा, कशीदन, कि उसको कशीदाकारी की गई है, उसके ऊपर लाइन लगी होती है, उसको खत कशीदा अल्फाज बोलते हैं। उसके मानी लिखना ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले शऊर, अक्ल, रज़ाकाराना खुद अपनी मर्ज़ी से, मज़ूर अपाहज, जमघट्टा हजूम। स्टूडेंट्स, ये जो दो चीज़ें हैं ये किसी भी इक्तबास, कोई भी तशरीह करेंगे ये इसमें अहम हिस्सा है उसका, इसके बगैर आपकी तशरीह जो है वो पूरी नहीं होती। इसके बाद जो अगला हम पॉइंट कर रहे हैं वह है सियाको सबाक का। सियाको सबाक जो है इसका मतलब है सियाक, दो लफ्ज़ हैं मुरक्कब है, सियाक, सियाक का मतलब है पहले, सबक बाद में, कि सबक जो आप लोगों का नसर पारा लिया गया है इससे पहले और इसके बाद क्या हुआ है, इससे एग्जामिनर जो है उसको आसानी हो जाती है सियाको सबाक पढ़ने के बाद कि ये जो आप लोग तशरीह कर रहे हैं ये पूरा सबक जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, क्या हुआ था इस सबक में, क्योंकि इससे पहले के भी हमने हालात बता देने हैं, इसके बाद भी बता देना है। और ये जो सियाको सबाक लिखते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा
तीन से चार लाइंस में होता है। ये नसर पारा सबक शहरी दिफा, क्योंकि अब ये शहरी दिफा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हमने इसको वाउवैन में लिखा है, और सबक का उनवान जो है वो वाउवैन में ही लिखेंगे, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। ये नसर पारा सबक शहरी दिफा से लिया गया है कि अब हमने बताना है कि सबक में पहले क्या हुआ। हमारे मुआशरे में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग हादसात का शिकार होने के बाद दम तोड़ देते हैं। हकूमत ने शहरी दिफा का इदारा कायम कर रखा है, हर फर्द को इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। अब जो इसका अगला जो हम हिस्सा करने जा रहे हैं वो है तशरीह। तशरीह जो होती है वो हमने तीन गुना, ये जो नसर पारा दिया जाता है इसकी तीन गुना बढ़ा के तशरीह लिखनी होती है। तशरीह का मतलब है खोल के बयान करना। समझ लें कि जब हम तशरीह कर रहे होते हैं हम खुद मुसन्निफ बन जाते हैं, खुद लिखने वाले बन जाते हैं, हम खुद अपनी राय दे रहे होते हैं कि इस जो ये जो लाइंस दी हैं, ये जो नसर पारा है, इसमें जो है क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, और जो मुसन्निफ है उसने क्या कहने की कोशिश की है। तशरीह को खोल के बयान करना है, यानी कि इसको हमने तीन गुना बढ़ा के लिखना है। चलें जी, मैं आप तशरीह करती हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना भी है साथ साथ कि क्या क्या बताया जा रहा है। आप लोग पेज अपना ओपन रखें, पेज नंबर 41, ताकि हम तशरीह शुरू कर सकें। सबसे पहले तशरीह करने से पहले हम लोग जो लाइन लिखते हैं वो वही कि ये जो तशरीह तलब जो पैराग्राफ है, तशरीह तलब पैराग्राफ हम सबक कौन से सबक शहरी दिफा से लिया गया है, ये लाइन ऐड करेंगे कि तशरीह तलब पैराग्राफ नसर पारा जो है इक्तबास भी लिख सकते हैं। तशरीह तलब इक्तबास सबक शहरी दिफा से लिया गया है कि जो शहरी दिफा में लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फराहम की जाती है कि लोग किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस नसर पारा में बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो हमारा जो मुआशरा है इसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है। हमारे माशरे में जो तरबियत फराहम की जाती है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद लेने का जो है शऊर वो है ही नहीं, वो कहते उनको पता ही नहीं है कि शहरी दिफा की तरबियत भी होती है, कोई शहरी दिफा का महकमा भी है, तो इसलिए शऊर जो है वो नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि हमने जो हंगामी सूरत हाल हो जाए, अगर कोई हादसा हो जाए, सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, पहले तो उसकी वजह क्यों होते हैं, फिर अगर एक्सीडेंट कोई हादसा हो गया है तो हादसे में ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनको कैसे उनकी उनको मदद फराहम करनी है कि उनको जो है तकलीफ़ कम से कम हो, क्योंकि फ़ौरी तौर पर तो उसका अजाला नहीं हो सकता, फ़ौरी तौर पर तो हम उसको मुकम्मल सेहत याब नहीं कर सकते कि उनके ज़ख्म भर जाएंगे। उनको इतनी उनको मदद देनी है कि वो पुरसकून महसूस करें। अगर तो खुदा ना खास्ता उसका बाजू टूट गया है तो जब हम उसको बाजू को मुकम्मल उसके हड्डियों उसके गिर्द लकड़ी का उसके गिर्द लपेट के बाजू के गिर्द लकड़ी लपेटेंगे, ऊपर कपड़ा बांध देंगे तो उससे उसका बाजू जो है वो पुरसकून हो जाएगा। हड्डी तो फौरन नहीं जुड़ेगी, वो हॉस्पिटल में जा कर ही सारे काम होंगे, लेकिन ये तरबियत देना ज़रूरी है जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिल सकने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं या फिर उम्र भर के लिए मजूर हो जाते हैं, कि बाज़ औक़ात इतनी शदीद चोट लगती है कि अगर तो उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम कर दी जाए तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। जान जो है वो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी भी देनी है मौत भी देनी है, अगर तो उसका मौत का वक्त है तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तो हम लोग उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फौरन फराहम कर देंगे तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी जो है वो बच जाए, उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और कुछ जो लोग हैं वो उम्र भर के लिए मजूर हो जाते हैं, के बाद उसका सर में इतनी शदीद चोट लग जाती है कि वो दिमागी तौर पर मफलूज हो जाता है, वो आदमी वो किसी काम का जिसको पागलपन कहते हैं कि ये पागल हो गया, सर पे चोट लग गई है, उसको चक्कर वगैरह आ रहे हैं,
अगर तो फ़ौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, फ़ौरी तौर पर उसका इलाज हो जाएगा तो ये हादसात को कम किया जा सकता है। अगर किसी का हादसे के दौरान बाजू वगैरह, टांग वगैरह टूट गई है, अगर उसको मौके पर इमदाद फराहम कर दी जाए तो उसको तकलीफ़ में कमी हो जाएगी उसके। हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना है? सबसे पहले तो बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन हादसों के हादसात की रोकथाम के लिए हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है कि खुदा ना खास्ता कोई बम धमाका ना हो जाए, क्योंकि बम धमाका जो करने वाले लोग हैं ये मुल्क के भी दुश्मन हैं, कौम के भी दुश्मन हैं। फौरी इस चीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए कि लोग जो हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, क्योंकि सारे हमारे अपने हैं, हम मुसलमान हैं, क्योंकि हदीस में है कि मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं। अगर एक शख्स को तकलीफ़ पहुंचती है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। इसी तरह अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचेगी तो सबको तकलीफ़ पहुँचेगी, बेकरार हो जाते हैं। कि मुल्क का कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ कोई भी घिनौनी साजिश ना कर सके। दूसरा, अगर कहीं हादसा हो जाए, अगर कहीं पे हादसा हो गया है तो फौरी तौर पर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि फौरी उसके गिर्द सारे जमा हो जाते हैं। अगर तो हादसा हो गया तो उसके गिर्द जमघट्टा ना बनाएं, हजूम ना बनाएं। हो सकता है उस वक्त उसको सांस का प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर तो सांस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके दूर हो जाएं ताकि खुली हवा में उसका सांस जो है वो बहाल हो जाए। और अगर कोई उसको शख्स को इमदाद फराहम कर रहा है तो उसमें भी रुकावट ना आए, क्योंकि जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो रुकावट आती है। इससे ज़ख्मियों की इब्तदाई तिबी इमदाद में रुकावट पैदा हो जाती है कि वो लोग जो हैं वो फिर उनकी जान जाने का, उनके ज़्यादा शदीद तकलीफ़ का, मजदूरी का बाइस बन सकते हैं। तो इसके लिए तरबियत, सबसे पहले जो है तरबियत होना ज़रूरी है कि जो शहरी दिफा जो है उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स की भी तरबियत लेनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें उस वक्त मौजूद होती हैं। और ये हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि घर में हादसा अमूमन हो जाते हैं, आग लग जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो इसलिए ये फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो हर घर में होना ज़रूरी है, उसकी जो अद्वियात हैं। और महकमा शहरी दिफा के जो लोग हैं वो लोगों को तरबियत भी फ्राहम करते हैं ताकि लोग अपनी जानें भी बचा सकें। जी स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट देख लें। ग्रामर में अब हम करेंगे गलत फिक्रात की दुरुस्ती। जी बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं वो है गलत फिक्रात की दुरुस्ती। लफ्ज़ है दुरुस्ती, ना के जो हम पहले लफ्ज़ यूज़ करते हैं अक्सर, बल्कि यूज़ करते हैं दुरुस्तगी। दुरुस्तगी लफ्ज़ नहीं है, दुरुस्ती, गलत फिक्रात की दुरुस्ती। हम कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो आम तौर पर गलत ही बोले जाते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे कि हमने सही कैसे करना है। सबसे पहला जो लिखा हुआ है, बारिश बरस रही है। इसमें आप लोगों ने गलतियाँ पॉइंट ऑफ करें कौन कौन सी हैं। बारिश, पहली तो है बारिश, बारिश बरसती नहीं, बारिश होती है, और इसके एंड पे हम क्या लगाएंगे, ख़त्मा। ये इसमें गलतियाँ हैं। अगला, एक दफ़ा हम लोग साथ साथ लिखते भी जाते हैं, बारिश हो रही है और एंड पे ख़त्मा आएगा। अगला जो है वो अंग्रेज़ी को जानते हैं, क्या सही होगा? इसमें को जो है वो नहीं आएगा, और ये सादा फिक्रा है तो इसमें सवालिया निशान भी नहीं आएगा। तो सादा फिक्रे में एंड पे ख़त्मा आता है, वो अंग्रेज़ी जानते हैं, ऐसे लफ्ज़ होगा, जुमला होगा, वो अंग्रेज़ी जानते हैं और एंड में क्या आएगा, ख़त्मा। अब्दुल्ला की खेल शानदार है, अब इसमें क्या है गलत, ज़रा पॉइंट आउट करें, अब्दुल्ला की खेल शानदार है। अब अब्दुल्ला तो मुज़क्कर है, तो अब्दुल्ला के साथ क्या आएगा, ये इसमें जो है वो का, अब्दुल्ला का खेल शानदार है।
और एंड पे खत्मा। इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है, इसमें क्या गलत है? ओढ़ना, दुपट्टा ओढ़ा जाता है, टोपी पहनी जाती है, तो एंड पे इसके खत्मा भी आएगा। इमरान ने नई टोपी पहन रखी है, सोफे के ऊपर किताबें पड़ी हैं। अब इसमें क्या है? के ऊपर नहीं आएगा, सोफे पर। इधर हम लिखते हैं, अब सोफे पर किताबें पड़ी हैं। और एंड पे खत्मा आएगा। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से करें, खुलासा, इक्तबास की तशरीह और गलत फिक्रात की दुरुस्ती, इसको दोबारा से करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, खुलासा और इक्तबास की तशरीह जो है वो लिखने के फिर काबिल हो जाएं। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।